बड़ी खबर कर्नाटक से यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया के समर्थकों ने बेंगलुरु में सिद्धारमैया के आवास के बाहर एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें उन्हें कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बता दिया। तो सिद्धारमैया के घर के बाहर ये जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, पोस्टर में सिद्धारमैया को सीएम बताया जा रहा है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ और जानकारी के साथ। रवि, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव जीतना उतनी बड़ी चुनौती नहीं होता जितना चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री चुनना हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने कहा पोस्टर की बात, और कल भी जब बैठक थी यहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ भी सिद्धारमैया के गुट के लोग अलग नारे लगा रहे थे और डीके शिवकुमार के लोग अलग नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं टूट दिख रही है और दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, क्योंकि सिद्धारमैया कह चुके हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, और हर कोई जानता है यहाँ इस बात का डर है कि सिद्धारमैया को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी टूट सकती है, वो नाराज हो सकते हैं। और उसी तरह से डीके शिवकुमार को अगर नहीं बनाया जाता तो डीके शिवकुमार को लगता है कि उन्होंने तन मन धन लगा के इस चुनाव को कहीं ना कहीं जिताने में काम किया है। तो वैसी स्थिति में संगठन, जैसे जो सचिन पायलट का स्थिति था, सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री बने लेकिन वो नहीं बन पाए। कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे, वो मुख्यमंत्री बन गए, सिंधिया साइडलाइन हो गए। उसी तरह देखिए छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल, जब चुनाव हुआ था प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक दावेदारी तो बनती है डीके शिवकुमार की पार्टी के नाते से, ये बताइए जिस तर्ज पर सिद्धारमैया के आवास के बाहर उनके पोस्टर्स लगे, क्या उसी तर्ज पर डीके शिवकुमार के आवास के बाहर या फिर बेंगलुरु में अलग अलग लोकेशंस पर पोस्टर्स लगे हैं या फिर नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, डीके शिवकुमार के भी पोस्टर्स लगे हैं, अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा, मैं अभी थोड़ी देर पे यहाँ से निकलूंगा जहाँ चलकर, तो कई जगह खबर आ गई है कि कई जगह डीके शिवकुमार के भी पोस्टर लग गए हैं। और ये जग जाहिर है कि दोनों के बीच की लड़ाई जग जाहिर है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला चूँकि जो इंचार्ज थे उन्होंने बार बार ये मैसेज दिया दोनों का वीडियो डालकर कि सब ठीक ठाक है, हम साथ साथ हैं, लेकिन ये मैसेज देने के बावजूद चुनाव के बाद हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री बनना। देखिए ढाई साल के फॉर्मूले की बात भी हो रही है, लेकिन ढाई साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में कहां चला गया, राजस्थान में कहां चला गया, मध्य प्रदेश में कहां चला गया? कह रहे हैं आप, ये चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी के सामने, कांग्रेस हाईकमान के सामने बनी रहेगी और इस पर अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। Zee News।